الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. العلم وراثة كريمة. صلوات الله على رب العزة بحق محمد وآل محمد عليهم السلام. ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم يزل ولا يزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس مدرسہ دینیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس جامعہ کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو اور ان کی خدمات دینیہ کو قبول کر کے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کریں. اللہم صل علی محمد. آج کے اس اجلاس کی دو مناسبتیں ہیں. اس سلطان المدارس مدرسہ کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور قبلہ و کعبہ کی رسم چہلم بھی ہے. علماء کرام خطاب فرماتے رہے ہیں اور انشاءاللہ رات کو بھی اور کل بھی خطاب فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ایک نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور وہ نعمت ہم سے چھن گئی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، شفاعت اہل بیت اور جوار اہل بیت نصیب فرمائے.
अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तबलीग में सबसे मुश्किल मौजू अल्लाह की तौहीद मनवाना है, सबसे मुश्किल मौजू अल्लाह की तौहीद मनवाना है, अल्लाह का वजूद मनवाना ये मुश्किल नहीं है। कुरान मजीद आप तलावत फरमाए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से कहता है, मेरे हबीब इन बंदों से पूछो ना जो बुतों की पूजा करते हैं, इस कायनात का खालिक कौन है? तो वो यही कहेंगे अल्लाह है। अल्लाह के वजूद को मनवाना ये मुश्किल नहीं था। वजूद इलाही का इकरार फितरत है। हर बंदा जब गौर करेगा, ये शामियाना खुद ब खुद लगाए, ये सुतून जो दरमियान में है लोहे के खड़े हैं, ये खुद ब खुद बन गए, ये पंखा जो चल रहा है ये खुद ब खुद बन गया है, खुद ब खुद चल रहा है। तो हर बंदा यही समझता है और कहता है नहीं नहीं ये खुद नहीं बने, इन्हें किसी ने बनाया है। तो जब ये छोटे से सुतून, ये छोटा सा शामियाना, ये बगैर बनाने वाले के नहीं बनता, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बनती है? अल्लाह का वजूद उसका इकरार तो आसान है, अल्लाह का वजूद मनवाना इतना मुश्किल नहीं है। आप कुरान मजीद पढ़े, आइए अंबियाए किराम सबसे पहला पैगाम उनका अल्लाह की तौहीद मनवाना था। इतना मुश्किल था, ये आसान होता ना, आसान काम होता ना, अल्लाह हर किसी के जिम्मे लगा दे। नमाज सब पे वाजिब है या नहीं है? मुझ पे भी वाजिब है, आप पे भी वाजिब है, इसके भी वाजिब है, रोजा सब पे वाजिब। ये काम आसान है ना, इसमें कुछ खर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप भी रोजे रखें, आप भी नमाज पढ़ें, आप भी हज करें, आप भी ज़कात दें, आप भी हज करें, ये आसान काम है। बुत परस्तों से बुत परस्ती छुड़वा के एक मनवाना बहुत मुश्किल था ना। अल्लाह ने अपने नबियों के जिम्मे लगाया, अल्लाह ने अपने रसूलों के जिम्मे लगाया, जाओ तौहीद की तबलीग करो, लोगों से एक मनवाओ एक। मैं अक्सर मजालिस में अर्ज करता हूं, सैयद उल अंबिया जिस मुआशरे में, जिस माहौल में मबूस बरिसालत हुए थे ना, लोग 360 खुदाओं की पूजा करते थे। कितने? 360 खुदाओं की पूजा करते। जाहिल इतने बड़े थे, अपने हाथों से पत्थर तराशते, अपने हाथों से तांबा पिघलाते, अपने हाथों से भूत बनाते, अपने हाथों से दीवार के साथ मेखे लगा के, उन्हें दीवार के साथ लगा के फिर कहते थे ये हमें औलाद दे दो। जाहिल अपने हाथों से बनाए हुए को खुदा मानते थे, अल्लाह के बनाए हुए को नबी नहीं मानते थे। बहुत मुश्किल काम था पैगंबर के लिए, जो 360 खुदाओं की पूजा कर रहे थे ना, उनसे एक और मनवाना मुश्किल नहीं था। जाग रहे हो भाई? मुझे पता है सुबह से आप सुन रहे हैं जलसा और उलमा पढ़ रहे हैं,
मैं भी तीन चार पांचों को तो मैंने भी सुना है और आपने निहायत सुकून से बैठ के सुना चुप करके ना। 360 खुदाओं को मान रहे हैं, उनसे पैगंबर कहते एक मेरा भी मान लो। जो 360 को मान रहे हैं उनसे 361 मनवाना क्या प्रॉब्लम? पैगंबर ने एक और नहीं मनवाया, पैगंबर ने बस एक मनवाया है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाया। और कमाल ये है, इब्तिदा में, इब्तिदाए इस्लाम में सिर्फ ये कह देने से बंदा कामयाब हो गया। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, बस सारे मक्के वालों को ऐलान था, बस ये कह दो, उसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं, बस तुम कामयाब। तौहीद मनवा रहे थे। देखो कितना अहम पैगाम है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं भी देहाती हूँ, सर्वोदय मेरा घर है, समझाना मेरे लिए आसान है ना। इल्मे अखलाक में हमें उलमा ने लिखा कि दो अहम इस्तिलाहें हैं इल्मे अखलाक की, एक है तखलिया, एक है तहलिया। तखलिया का माना होता है खाली करना, तहलिया का माना होता है उसे मुजयन करना। जब तक पहले तखलिया ना करो ना, तहलिया नहीं हो सकता। ये गंदम काश्त करनी हो तो पहले हल चलाने पड़ते है ना, पहले हल वाओ, स्वागा मारो, हिको दी करो, ता भी पैसो ना, हल ना चलाओ, जड़ी बूटियां ना काटो, सुहागा ना लगाओ, उसका लेवल ना करो, बीज बो दो, बीज भी जाया हो जाएगा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह कुल्ला। ये हल चलाना है तखलिया, पहले हल चलाओ, इस जमीन को साफ कर दो, किसी किस्म की जड़ी बूटी घास वास न रहे, फिर खूबसूरत बीज, कीमती सेहतमंद ताकतवर बीज, वो ये फायदा देगा। ये सुबह उठ के बच्चे स्कूल जाए, ये आप दफ्तर जाए, बिस्तर से निकले मुंह पे लोशन लगा लो, लगाओगे नहीं लगाएंगे, पहले धोएंगे मुंह। ये जो पहले मुंह को धोते हैं ना साबुन से या नहाते हैं ना, ये है तखलिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर किस्म का गर्द व गुबार उतार दो, फिर सर में तेल लगाओ, सारे दिन की मट्टी सर में हो, ऊपर से तेल लगा दो, कीचड़ बन जाएगा ना। पहले धो, तखलिया करो ना, फिर खूबसूरत बनने के लिए कोई लोशन लगाओ, सर में तेल लगा लो, ये तहलिया होगा ना। पैगंबर ने यही इस्तेमाल किया, पहले का ला इलाहा, पहले हल चला, अपने अंदर से हर किस्म के माबूद की मोहब्बत को निकाल, कायनात में कोई लायक इबादत नहीं, इस दिल को खाली कर, फिर कहो इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या माशाल्लाह क़िबला माशाल्लाह। पहले हर किस्म की गैर अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकालो, कोई लायक इबादत नहीं, हल चला दो अंदर, निकाल दो सारे, फिर कहो इल्लल्लाह। ये बहुत मुश्किल काम था, ये बहुत मुश्किल काम था। बाप दादा परदादा यक्कड़ दादा सारे भूतों की पूजा करते हो, वाह 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 वाह, उनसे कहा जाए इन्हें छोड़ दो, वो कहते थे क्या कह रहे हो, हम वो छोड़ दें जो हमारे बाप दादा करते थे,
वो छोड़ दे। मुश्किल होता है बाप दादा के बताए हुए रास्ते को छोड़ना, मुश्किल होता है। ये अल्लाह ने अपने नबियों के जिम्मे लगाया था माशाल्लाह, और ये काम इतना मुश्किल था कोई नबी पत्थर खाता था, ये आसान नहीं था। नबी आते लोगों को अल्लाह की तौहीद के सबक पढ़ाते, ये बंदे पत्थर मारते थे, इतने पत्थर मारते नबी जख्मी हो जाते, जख्मी होके गिर पड़ता, वो ऊपर से और पत्थर बरसाते, ये पत्थरों में दब जाता, वो समझते मर गया है, वो घरों को चले जाते। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता, जा अपने पलों से पत्थर हटा, जहां जहां जख्म है वहां अपने पल लगा, ये जख्म ठीक हो जाए। कल उन्हीं पत्थरों के ढेर पे वो नबी खड़ा होके फिर अल्लाह की तौहीद की तबलीग करता। ये मुश्किल काम था ना, नबियों के जिम्मे लगाया, किसी को पत्थर खाने पड़े, किसी को आरे में चीर दिया गया, बहुत मुश्किल है, जिंदा जिंदा बंदे को आरे में रख के चीर दिया गया, किसी को जला वतन कर दिया, घर में नहीं रह सकते, निकल जाओ हमारा इलाका छोड़ दो, किसी पे पता नहीं क्या क्या जुल्म हुए। और सैयद अल-अंबिया फरमाते हैं, मा उज़िया नबियुन कत्तु कमा उज़ीत, नबियों को दी गई अज़ियतें लेकिन जितनी इस दीन की तबलीग में मुझ मोहम्मद अरबी को अज़ियत दी गई है ना, इतनी किसी को नहीं दी गई। उन नबियों को जिस्मानी तकलीफें दी जाती थी, ये जिस्मानी तकलीफ है ना किसी को पत्थर मारे जाए, ये जिस्मानी तकलीफ है ना किसी को आरे से चीर दिया जाए, ये जिस्मानी तकलीफ है ना, लेकिन सैयद अल-अंबिया को जिस्मानी तकलीफें भी देते थे, रूहानी तकलीफें भी देते थे, पत्थर भी मारते थे, रास्ते में कांटे भी बिछाते थे, सजदे में होते ऊपर ओझड़ी भी फेंकते थे। रूहानी तकलीफ क्या करते थे, वो बच्चे जिनकी झोलियों में पत्थर होते थे ना, वो पत्थर भी मारते थे, दीवाना भी कहते थे, जादूगर भी कहते थे। ओ खुदा के बंदो, हम ये जो बैठे हैं ना, हम में से कोई बंदा बाहर निकले और मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे पीछे लग जाए, दीवाना जा रहा है, दीवाना जा रहा है, घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नबियों का सरदार हो, छोटे छोटे बच्चे पीछे लग जाए, दीवाना जा रहा है। पैगंबर फरमाते हैं, जितनी अजियतें मुझे दी गई है ना, इतनी किसी को नहीं दी गई, किस लिए, तौहीद की तबलीग के लिए। माशाल्लाह, बहुत मुश्किल काम। और याद रखना, फिर अल्लाह ने इस बाब को बंद नहीं किया, खत्म नबूवत हो गई ना, अब नबी कोई नहीं आना ना, अब रसूल कोई नहीं आना ना, लेकिन तौहीद की तबलीग तो नहीं रुकनी ना, ये तो चल रहा है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए से ऐलान फरमा दिया, बाब नबूवत बंद हो जाए, जो काम नबी किया करते थे ना, आलो उलमाओ वरासत उलम्बिया, जो काम नबी करते थे अब मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, उलमा की जिम्मेदारी माशाल्लाह कितना माशाल्लाह, ये कौन करेगा, क्या करेंगे, लोगों को तौहीद के सबक पढ़ाएंगे। क्या ख्याल है, नबी तौहीद बताए उसे पत्थर मारेंगे लोग, नबी तौहीद बताए लोग जला वतन कर देंगे। कुरान है ना, कुरान, लोग कहते थे तूने बाज नहीं आना ना, चल फिर निकल जा यहां से, हमारे शहर से, हमारा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, कहते ताल्लुक करेंगे ना, अगर नबी कहें तो लोग ताल्लुकात तोड़ लेंगे। तो उलमा अगर तौहीद की तबलीग करेंगे, इनके साथ क्या होगा, क्या होगा इनके साथ, लोग ताल्लुकात रखेंगे, अकेला अकेला हो जाएगा ना। लेकिन मेरे मासूम फरमाते हैं ना, अगर तू हक के साथ खड़ा है ना और अकेला है ना, तो परेशान ना हो, तेरे लिए यही काफी है कि तू हक के साथ खड़ा है।
काफी है हक के साथ। या अल उलमा वरासतुल अंबिया, मौला अमीर फरमाते हैं अल इल्म वरासतुन करीमा, इल्म बेहतरीन वरासत। माल क्या होता है, माल दुनिया की हैसियत क्या है। मैंने एक जगह पे पढ़ा, अगर अल्लाह की नजर में माल दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत होती ना, अल्लाह अपने दुश्मन को ना देता। माल की कोई हैसियत, माल दुनिया की कोई हैसियत नहीं। इल्म, इल्म असल वरासत, बेहतरीन वरासत इल्म है। इन्ना खैरा मा, मौला अली फरमाते हैं इन खैरा मा वरसल आबाओ अबनाहुम अल अदब वल मुराद मिनहु अल इल्म। वालिदैन अपनी औलाद के लिए बेहतरीन वरासत जो छोड़ते हैं ना, अमीर फरमा रहे बेहतरीन वरासत अपनी औलाद के लिए ये है कि इन्हें इल्म का वारिस बनाओ। माल तो खत्म हो जाएगा, इल्म खत्म नहीं होता। माल चोरी हो जाता, इल्म चोरी नहीं होता। माल फिरौनों की वरासत, इल्म अंबिया की वरासत। इल्म, इल्म बेहतरीन। अल इल्म मिसबाहुल अक्ल, इल्म अक्ल के लिए भी चराग है, अक्ल की रहनुमाई। इल्म बंदे के दराजात को बुलंद करे। अल्लाह साहिबान ईमान और साहिबान इल्म को बुलंद दर्जे अता करता है। दुनिया वाले कुछ कहें या न कहें, दुनिया वालों के यहाँ दराजात बुलंद होना कोई मेयार नहीं। दुनिया वाले तो दुनिया वालों को दराजात देंगे ना, ये पतली एमपीए बन गया बड़ा दर्जा आ गया, ये एमएनए बन गया बड़ा दर्जा आ गया, ये वजीर बन गया उससे ऊपर चला गया, ये दर्जे कुछ नहीं। असल दर्जे तो वो है जो उसकी नजर में हो, और वो साहिबान ईमान को दराजात देते। साहिबान इल्म को बुलंद दर्जे अता करता है। कितने बुलंद दर्जे अता करता है, इन्हें नबियों का वारिस करार देता। इल्म बहुत बड़ी नेमत, और खुदा शाहिद है किबला जो वरासत छोड़ गए हैं ना, वो सिवाय इल्म के और कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर, बेहतरीन वरासत अपने बाद किताबों की शक्ल में, बेहतरीन वरासत छोड़। अभी बैठे हुए हम बातें कर रहे थे बरादर बुजुर्गवार किबला अल्लामा ज़ोर हुसैन खान साहब दामत बरकात उनके पास बैठा था मैं, ऐसी बातें हो रही थी। एक एक किताब पे बैठे हम एक दूसरे के साथ तबसरा कर रहे थे, तबसरा कर रहे थे वहाँ इस्मातुल इमामत, वो जो तकरीरें वो फरमा रहे थे, जो पहले तकरीरें लिखी हुई है ना, और तकरीर लिखने वाले ने अरबी में लिखा कि मुझे इसके कुछ सफ़े तर्जमा करके बताए गए हैं, जैसी इमामत के मौजू पर जिस अंदाज में इन्होंने उर्दू में किताब लिखी है ना, अरबी में भी मौजूद नहीं है। वो तकरीर लिखने वाले कह रहे हैं, तकरीर लिखने वाले कह रहे हैं। अल्लाह, मैं तालिब इल्म हूं ना, मुझे लाहौर में एक मरतबा अकायद के मौजू पे दर्श देना था। 3 साल मुसलसल मैंने हर एतवार को रात को 1 घंटा 3 साल अकायद पे दर्श दिया है, और मेरे सामने आसनुल फवायद होती थी, मुझे किसी और किताब को देखने की जरूरत नहीं होती। एक किताब आसन, इतनी मुफस्सल, इतनी दलीलों के साथ, इतने बेहतर अंदाज में अकायदे हक्का को साबित किया है, कोई और किताब देखने की जरूरत नहीं रहती थी। अल्लाहु अकबर। मुझे याद है बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, उनमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हालात जिंदगी पे किताब लिखी, फातिमा मिनल महद इलल्लाह,
फातिमा महद से लहद तक, झूले से लहद कब्र तक, पूरे हालात जिंदगी में जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि ये किताब ना मेरी कब्र में मेरे साथ दफन करना, मैं दिखा सकूंगा कि मैं दुनिया में क्या करके आया हूं। मैं, मेरा दिल चाहता है काश इन किताबों की एक एक जिल्द किबला के साथ कब्र में भी दफन हो। रिवायत रिवायत, जब किसी का इंतकाल होता है ना, लोग जो दुनियादार होते हैं ना, वो एक दूसरे से पूछते हैं ये क्या छोड़ के गया है। लिखने वाले लिखते हैं इतने बेटे इतनी बेटियां इतनी जायदाद इतनी दुनिया ये छोड़ के गया है। दुनिया वाले पूछते हैं ये क्या छोड़ के गया है। वो जो फरिश्ते लेने के लिए आते हैं ना, वो एक दूसरे से पूछते हैं ये साथ क्या लाया है। और जब इनसे पूछा जाए कब्र में बता दो सही साथ क्या लाए हो, तो वो कहता मैं इस बात और इमामत लाया हूँ, मैं आसमुल फवायद लाया हूँ, मैं अल्लाह की तौहीद साबित करता रहा, मैं अली की इमामत साबित करता रहा। ये ले जाते अल्लाहु अकबर। ये क्या ख्याल है मौलाना किबला रहमतुल्लाह अलैह के साथ दुश्मनी, किस बुनियाद पे दुश्मनी? कोई जमीने सांची थी, कोई बन्ने रल दे हैं, क्या मसला था? सिवाय इसके ये कहते थे खुदा के अलावा कोई लायक है, क्या जुर्म था, क्या जुर्म था? सिवाय इसके कि अल्लाह की तौहीद सुनाते थे ना। लोगों वसीले को वसीला समझो, हदफ को हदफ समझो। 12 बेहतरीन वसीले हैं, नबियों का सरदार बेहतरीन वसीला है, जहरा बेहतरीन वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह से मांगने का बेहतरीन वसीला है। और क्या कसूर था अल्लाह का? और फिर जाहिर है मैं कहूँगा किबला आप, आपने बड़े दुख उठाए, बहुत दुख उठाए। हाँ, कोई मेरे दोस्त बता रहे थे कि एक डॉक्टर, कोई अच्छा नफ्सियात का माहिर डॉक्टर, उसकी किबला से मुलाकात हुई तो उसने तबसरा किया कि इस बंदे का कोई जिगर इतना बड़ा है। उसने तबसरा किया इनकी बातें सुन के, इनसे मुतासिर होके कहा इसका जिगर कोई पता नहीं कितना बड़ा है, इतनी बातें इतनी दुश्मनियां इतनी मुखालफतें इतनी गालियां सुन के भी अपने हदफ से पीछे नहीं रखता। इसका मतलब है इसके पास मुहकम दलील रखता है अपने अकीदे पर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मोहम्मद। और इस किबला की एक मजलूमियत ये थी कि किबला को गालियां वो देते थे जिन्होंने देखा भी नहीं था, जिन्होंने किबला को पढ़ा भी नहीं था, जिन्होंने किबला को सुना भी नहीं था ना, वो बुरा भला कहते। तो मैं एक दफा जलसे पे आया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था लाहौर से, मैंने कहा चलो, मैंने बताया नहीं उसे कि सरगोधा किस जलसे पे जाना है, मैंने कहा एक मजलिस पढ़नी है चलो मेरे साथ चलो। वो आया यहाँ जलसे में, किबला इधर इस कमरे में किसी में बैठे थे, हम गए पहले मिले, मैंने नमाज पढ़नी थी, मैं नमाज पढ़ने चला गया, नमाज पढ़ के जब वापस आया ना तो मुझे बुला लिया गया कि आपके खिताब का टाइम है भी, आ जाओ कोई 10-15-20 मिनट लोगों के ज़ाया कर लो। मैं आ गए यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए, ख़त्म हुआ मैंने कहा जी चलें चलते हैं, वो कहता नहीं नहीं थोड़ी देर यहाँ और बैठ। मैंने कहा टाइम हो गया लाहौर जाना है, देर हो जाएगी चलें। खैर वो उठा, हमने भी किबला को सलाम किया, 10 बोसी की चले गए। रास्ते में मुझे कहता यार इधर सरगोधा में एक ढक्कू साहब होते हैं, फिर का मैं बस ऐसी मैं वो उल फूल कहने लगा। मैंने कहा जानते नहीं हो तुम उनको? कहा नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन जाने से पहले मुझे गाड़ी में बैठ गई, यार बड़े कोई आलिम दीन थे, दुनिया आ रही थी, मसले पूछ रहे थे, फौरन बता रहे थे, हाँ सोचने का भी मौका नहीं, फौरन जवाब देते थे। मैंने कहा 1.5 घंटा जिसके पास बैठे रहे वो ही तो जिसकी पहले तारीफें कर रहे थे वो ही तो
दुश्मनी क्या थी, क्या थी सिवाय इसके कि वो लोगों को हक बताते थे। लेकिन मैं कहूंगा किबला दुश्मनी की लोगों ने आपकी अदम मौजूदगी में, किसी माई के लाल में जरूरत नहीं थी कि मुंह पे आके एतराज कर सके, अदम मौजूदगी में अपने मैदान में अपनी जगह पे दुश्मनी की, गालियां दी, उल फूल बकी, अपना नामा अमाल खराब किया। किबला आपको पत्थर किसी ने नहीं मारा, दीन की तबलीग के ऐसे ऐसे उलमा भी इस मंजिल से गुजरे हैं ना, जिन्हें दो ऊंटों पे बिठा के जिंदा चीर दिया गया। अल्लाह अकबर, ना क्या कसूर था उनका सिवाय हक की बात पहुंचाने के, और क्या कसूर था। और कमाल है, लिखा है उलमा ने ना, जब दो ऊंटों पे बांधा गया ना, और अब ऐलान होना था कि ऊंटों को जुदा कर दिया जाए, उन्होंने ठीकरी मांगी, वो पढ़िए जरा मुझे उठा के दो। उस पे लिखा रब्बे अन्नी मगलूब फंतसिर, मेरा अल्लाह मैं मगलूब हूँ मेरी मदद कर। इसको हवा में उछाला, वापस आई ना वो ठीकरी, तो उसकी दूसरी तरफ लिखा था इन कुंता अब्दी फस्तबिर, मेरा बंदा है तो सबर कर। किबला ने सारे दुख बर्दाश्त किए ना सबर के साथ, हौसले के साथ। हाँ वो शाम को एक जगह पे वहाँ यूके में थे, मैं भी जाता था मुहर्रम के लिए, वो भी वहाँ तशरीफ ले जाते थे ना, तो एक दफ़ा डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, मुफस्सल चेकअप करके उसने रिजल्ट दिया, आल ओके, कोई बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल ठीक हैं। ज़रा बताओ तो सही, इस सेहत का राज क्या है। किबला ने उसे एक जुमला कहा था, जब मैं रात को सोने लगता हूँ ना, तो मैं ये कह के खुदा से सोता हूँ, मेरा अल्लाह आज सारा दिन में जिस जिस ने मेरी गीबत की है, मेरे खिलाफ बोला है, तेरी रजा के लिए मैं उसे माफ करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहाँ से ढूंढोगे ये हस्तियाँ, कहाँ से लाओगे ये लोग। बस सिवाय अब रोने के, सिवाय दुआएं करने के, सिवाय फातिहा पढ़ने के और क्या कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी मोहब्बत, अल्लामा साहब से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके मिशन को जिंदा रखा जाए, उनके काम को जिंदा रखा जाए, जो वो विरासत हमें दे गए हैं ना, उस विरासत की हिफाजत की जाए। रास्ता न बदलना, रास्ता न छोड़ना, उनके मिशन को जिंदा रखना। शरीयती ने कहा था ना, आन हाई के रफ्तांद कारे हुसैनी करदान, व आन हाई के बाकियांद बायत कारे ज़ैनबी अंजाम देहंद। वो जो चले गए हैं ना, उन्होंने वो काम किया है जो हुसैन इब्ने अली ने किया था, जो बच गए हो ना वो करो जो ज़ैनब ने किया था। ज़ैनब कुबरा मिशन हुसैन इब्ने अली की मुहाफिज थी ना, वहाँ वहाँ से गुजर गई जहाँ से गुजरने के लायक नहीं थी। कहाँ शाम, कहाँ ज़ैनब, कहाँ बाजार, कहाँ ज़ैनब, कहाँ दरबार, कहाँ ज़ैनब, कहाँ यज़ीद, कहाँ हम कलामी, कहाँ यज़ीद की बातें, कहाँ ज़ैनब के जवाब। पूछता था ज़ालिम अली की बेटी, करबला से लेके शाम तक सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पे आए हैं। फरमाया सबसे बड़ी मुसीबत ये है, मुझे तेरे साथ बोलना पड़ गया। अल्लाह तू पूछ रहा है, मैं जवाब दे रही हूँ कि मेरे साथ बोलना।
अल्लाहु अकबर। हाँ, मैंने रिवायतों में पढ़ा, बीबी जब बैठती थी ना खवातीन के झुरमट में छुप के बैठती थी ज़ैनब, पुराने लिबास में होती थी बीबी ताकि कोई मुझे पहचान न ले, मैं ज़ैनब अली की बेटी हूँ, लोगों की नजरों से छुपती थी ज़ैनब, कोई पहचान न ले। आखिर अली की बेटी थी ना, आखिर फातिमा की बेटी थी ना। अल्लाह अकबर, सिर्फ एक जुमला, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, आपके आंसुओं को कबूल करे, अल्लाह क़िबला के दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए। हाँ, मैं वो जगह देख के आया हूँ, आज भी वो जगह मौजूद है जो शाम के जवार है ना मस्जिद बनी उमैया में, उन्होंने वो जगह देखी है यजीद के दरबार में, उसके तख्त के बिल्कुल सामने वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ कई घंटे ज़ैनब चुप करके खड़ी। अल्लाह अकबर, किसी ने नहीं कहा अली की बेटी बैठ जा, थक गई है, अली की बेटी खड़ी है, वो जालिम अपने कामों में मसरूफ है, अपनी बातों में मसरूफ है, उसके सफीर आए हुए हैं, उसके खतीब आए हुए हैं, और खड़े हो के खतीब आले मोहम्मद के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, किराए के खतीब जो जी में आता बकवास कर रहे थे ना, जब सारे खतीब खत्म हो गए ना, एक कैदी उठा और जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में भेड़िया, गले में खारदार थोक, सैयद सजाद ने कहा यजीद क्या मुझे भी इजाजत है, और मैं लकड़ियों पे खड़े होके मैं भी पूछूं, पहले तो इजाजत नहीं मिली, जब लोगों ने इशरार किया ना तो इजाजत मिली, मेरे आका आए उस लकड़ियों के ऊपर, उस मिंबर पे खड़े होके कहा ओ दरबार में बैठने वालों, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता पहचान ले, मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ, और उस दरबार में खलबली मच गई, और ये जालिम तो कहता है मैंने बागी मारे हैं, ये कह रहा है मैं मोहम्मद का बेटा। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ